नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। ड्यूटी ड्यूटी होती है और कई लोग ऐसे हैं जो ड्यूटी को निभाने के लिए, अपने फर्ज को निभाने के लिए कुछ भी नहीं सोचते। और ऐसे ही एक तस्वीर सामने आई मध्य प्रदेश से। जी हाँ, मध्य प्रदेश के गुना से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जो हैरान कर दे। दरअसल एक महिला पुलिसकर्मी कर्फ्यू के दौरान अपनी ड्यूटी पर है, अपने फर्ज को निभा रही है और जनता की सेवा में है, और उसकी गोद में 2 साल का मासूम बच्चा भी है। एक तरफ माँ का फर्ज और दूसरी तरफ खाकी का फर्ज। जी हाँ, महिला दोनों को बखूबी निभा रही है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है। यूं तो हालात कैसे भी हो, मौसम कैसा भी हो, महिला पुलिसकर्मी का फील्ड में ड्यूटी करना कोई नई बात नहीं, लेकिन जब हर तरफ संक्रमण फैल रहा हो, कोरोना का खौफ हर जगह हो, लोगों की जाने जा रही हो, ऐसे में मासूम बच्चे को गोद में लेकर ड्यूटी करना बड़े ही हिम्मत की बात है। दरअसल दीपम गुप्ता पुलिस लाइन गुना में बतौर महिला पुलिस आरक्षक पर पदस्थ हैं। कोरोना कर्फ्यू में अन्य पुलिसकर्मियों के साथ साथ दीपम की तैनाती भी कर दी गई। दीपम को पुलिस लाइन से मोबाइल यूनिट में भेज दिया गया। ड्यूटी पर तैनात दीपम ने नौकरी के साथ साथ मां होने का फर्ज भी निभाया। मासूम बेटे को गोद में लेकर ड्यूटी के दौरान दीपम की अन्य साथी पुलिसकर्मी भी उनकी मदद करते हैं और गोद में लेकर बच्चे को खिलाते हैं, यहाँ तक कि बच्चे के खाने पीने तक का ख्याल रखा जाता है। इस दौरान कोरोना कर्फ्यू में संक्रमण का भी खतरा लगातार बना रहता है, लेकिन बावजूद इसके महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दे रही। दोनों फर्ज को निभाने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती। वायरल हो रही वीडियो की जानकारी जैसे ही पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के पास पहुंची तो उन्होंने तत्काल महिला आरक्षक को फील्ड से वापस लाइन में तैनात कर दिया। कोरोना कर्फ्यू में मासूम बच्चों को गोद में लेकर ड्यूटी करने के इस मामले को पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लिया और महिला की ड्यूटी कैंसिल कर दी। बता दें कि इस पूरे वक्त में जहां सरकार लोगों से अपील कर रही है कि वो घर पर रहे, बेवजह ना निकले, वहीं जिले भर में कई महिला पुलिसकर्मी भी हैं जो कोरोना कर्फ्यू में अपनी सेवाएं दे रही है। खाकी के प्रति ऐसा प्रेम देखकर लोग भी उन्हें सलामी दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।